उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता वर्णिक ने कोरोना महामारी से जंग में हमीरपुर जिला के सभी लोगों के द्वारा प्रशासन व सरकार का सहयोग किया गया है। उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता वर्णिक ने कहा कि इस महामारी का प्रकोप अभी पूरी तरह से थमा नहीं है और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने हमीरपुर की समस्त जनता से आग्रह किया है कि वे अपने दिनचर्या में कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें, केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अवश्य लगाएं, अधिक आवाजाही वाले संभावित क्षेत्रों में डबल मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के नो मास्क नो सर्विस संबंधित निर्देशों का स्वयं भी पालन करें और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करें। उन्होंने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों, कार्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में नो मास्क नो सर्विस की शर्त कड़ाई से लागू करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि लोग भीड़ वाले स्थानों में बिल्कुल न जाएं और न ही भीड़ बढ़ाने में अपनी भागीदारी करें। सार्वजनिक स्थलों में उचित दूरी के नियमों का पालन करें। ऐसी जगहों पर जहां रेलिंग, दरवाजों के हैंडल एवं आसानी से संपर्क में आने वाली सतहें हैं या वस्तुएं हैं, उन्हें छूने से बचें। अपने हाथों को नियमित अंतराल में सैनिटाइज करते रहें या फिर बार बार साबुन से हाथ धोएं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है। छींकते या खांसते समय कोविड-19 शिष्टाचार का ध्यान रखें। कोविड-19 संबंधित कोई भी लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना जाँच अवश्य करवाएं। देखिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत राहत की बात है सबके लिए कि इतने सारे जो है केसेस बढ़े, सारे कुछ जो चीज़ें हमने देखी सेकेंड वेव में, उसके बाद कुछ मामलों में कमी आई है, काफ़ी कम हो गया है पॉजिटिविटी रेट भी ज़िले का, और सैम्पलिंग जारी है लेकिन पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है। लेकिन मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि हम थोड़ा उसके बावजूद अभी भी थोड़े कंसर्न हमें अभी भी है कि जैसे ही हम देख रहे हैं कि जिस दिन से थोड़े से ढिलाई दी जा रही है नॉर्म्स में, उसी समय एकदम से बाजारों में या लोकल जो पब्लिक प्लेसेस हैं, क्राउडेड लोकेशंस में भीड़ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इससे केसेस कम होने के बावजूद, पॉजिटिविटी रेट कम होने के बावजूद, हम लोग फिर भी जो है हमें चिंता का विषय लग रहा है ये, क्योंकि इसी तरह से तो कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और इसी तरह से वेव दर वेव जो है बढ़ते आएंगे। तो अगर हम लोग ढिलाई को अगर देखेंगे तो उसके चलते डेफिनेटली हमें कॉमर्स, बिजनेस, इनको बढ़ावा देना है इकोनॉमी को, ताकि ज़्यादा नुकसान ना आए, इसलिए उनको भी बढ़ावा देना है। बट अनावश्यक रूप से जो ज़रूरी नहीं है उन कार्यों को करने के लिए या ऐसे काबिना कारण जो है बाहर जाने के लिए ये ढिलाई नहीं है। आह्वान करते रहेंगे कि आप लोग जो बाज़ार में भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग जो है अब समहाउ कोविड की जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको कहीं फिर से नज़रअंदाज करने लग गए हैं या फिर से भूलने लग गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हमने इतना जो है थोड़ा सा इतना मुश्किल समय जो है 1.5 साल तक देखा है, तो हम आशा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। बट कोविड के मामलों की बढ़ोतरी के पीछे जो है इस तरह से भीड़ भाड़ करना, ये बहुत बड़ा एक कारण रहता है। तो लोगों से बार बार अभी भी गुजारिश है कि काइंडली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना भूलें। हमारी टेस्टिंग की टीम्स जो हैं वो घूम घूम के अब अलग अलग लोकेशंस पे जाकर भी टेस्ट कर रही हैं, उनका भी पूरा सहयोग करें। ये बहुत ज़रूरी है कि अभी भी कोई इन्फेक्शंस अगर पॉपुलेशन में कहीं छिपी हुई हैं तो वो निकल आए, सामने आ जाए, उनका उपचार हो जाए, क्योंकि आगे को और खुल जाएंगी तब जो है कुछ बचा होगा, कहीं पर संक्रमण तो और फैलना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी लोगों से आह्वान करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होके जो है अपना काम करें, घर से बाहर जरूरी होने पे ही निकले।